मलाहरगढ़ में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रत्याशियों के चुनावी जनसंपर्क चुनावी प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। मलाहरगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार परशुराम सिसोदिया का भी चुनावी जनसंपर्क लगातार चल रहा है। आज मलाहरगढ़ विधानसभा प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया के जनसंपर्क और उनके पक्ष में आम सभा को संबोधित करने ज्योतिरादित्य सिंधिया नारायणगढ़ पहुंचे और कांग्रेस से प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाने के लिए नारायणगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने अपने सभा में संबोधित करते हुए कहा कि मलाहरगढ़ की भूमि के साथ सिंधिया परिवार का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। मेरा और आपका अगर कोई रिश्ता है तो वह खून का और पार्टी का रिश्ता है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी चुनावी सरगर्मी है। हर दल अपना प्रचार करता है, हर संगठन अपने मुद्दे आपके सामने रखता है। 15 साल में पूरे मध्य प्रदेश को बेहाल करके छोड़ा है। जलियांवाला बाग के बाद अगर कोई नरसंहार हुआ है तो वो पीपलिया मंडी में हुआ है। अन्नदाता का रक्त गोली के आधार पर इस पावन धरती पर टपकता है तो इससे बड़ी शर्म की बात मध्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। ये प्रदेश उद्योगपतियों का नहीं अन्नदाता का प्रदेश है। शिवराज सिंह सुन लेना, जिस मतदाता ने पलक पावड़े बिछाकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था, दायित्व और जिम्मेदारी के साथ उस मतदाता की छाती पर आपने गोली लगाई, वही मतदाता नमक के आधार पर वसूल लेगा और आपको जमीन पर ले आएगा। प्राकृतिक या पारिवारिक कठिनाई का सामना आपके सिर पर आया है तो आपके बीच में कोई और आए या ना आए, लेकिन सिंधिया परिवार का मुख्य आपके साथ में सदैव कंधे से कंधे मिलाकर आपकी कठिनाई का सामना किया है और यही एक संबंध मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आज एक विशेष वातावरण हमारे सामने है, चुनावी सरगर्मी है। हर प्रत्याशी आप अपना प्रचार करता है, हर दल अपना प्रचार करता है, हर संगठन अपने मुद्दे आपके सामने रखते हैं। इस मल्लारगढ़ की भूमि के साथ सिंधिया परिवार का कोई राजनीतिक संबंध या राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरा और आपका अगर कोई रिश्ता है तो आपका और हमारा एक खून का रिश्ता है, एक माटी का रिश्ता है, एक परिवार का संबंध। और मेरा और आपका संबंध, मेरा और आपका रिश्ता केवल चुनाव के साथ संबंधित नहीं है। जब आपके यहां खुशी का माहौल हो, घर घर में हर्ष और उल्लास की आवाज गूंज रही हो, तो उस आवाज में आप शायद सिंधिया परिवार का मुखिया का आवाज न पाओ। आप जहां भी दौरा कर रहे हो आप सुन लीजिए, 15 साल में आपने मेरे मध्य प्रदेश को बेहाल करके छोड़ दिया। जो घटना यहां घटी है मंदसौर में, पीपलिया मंडी में, जिसका जिक्र अभी श्यामलाल ने अपने भाषण में भी किया, मैं मानता हूं कि जलियांवाला बाग के बाद अगर कोई नरसिंहार हुआ है तो वो पीपलिया मंडी में नरसिंहार हुआ है। कैसा कलयुग का जमाना है कि जो शासक कहता है मैं सेवक हूं, उसी शासक के कार्यकाल में अन्नदाता का रक्त गोली के आधार पर इस पावन धरती पर टपकता है, इससे बड़ी शर्म की बात पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती। हम देश के हृदय स्थल में स्थापित हैं, ये उद्योगपतियों का प्रदेश नहीं है। कृपा करके शांत हो जाए, यह उद्योगपतियों का प्रदेश नहीं है, यह अन्नदाता का प्रदेश है।
किसान नहीं, मैं मानता हूं किसान नहीं, सही सही शब्द है किसान के लिए अन्नदाता।